दो दिन के बाद एटीएम तो खुले हैं आज, लेकिन किसी एटीएम में पैसे नहीं है तो कोई एटीएम चल नहीं रहा है। राजधानी में लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एटीएम मशीन नो कैश दिखा रही है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं पहाड़गंज इलाके की, जहाँ पर एटीएम के बाहर लोग सुबह 6 बजे से ही आज कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सी एटीएम मशीन्स हैं जो नो कैश शो कर रही हैं, यानी कि पैसा इन एटीएम मशीन्स में अभी नहीं डाला गया है। और ज़रूरत पूरी करने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और सुबह से ही वो लाइन में आकर लग गए हैं एटीएम के बाहर। तो कहीं पर एटीएम खुले नहीं हैं, कहीं पर खुल गए हैं, और जहां पर खुल गए हैं वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। देश भर में आपको बताते हैं करीब 2,20,000 एटीएम्स हैं। इन एटीएम्स में पैसा डालने के लिए करीब 8,800 गाड़ियां हैं। एक एटीएम में 10,000 नोट डाले जा सकते हैं। पहले 500 और 1,000 के नोट के साथ एटीएम में 15 से 20 लाख रुपए हुआ करते थे, लेकिन अब 100 रुपए के नोट के साथ करीब 4 लाख रुपए ही एटीएम में रहेंगे, यानी कि कैश कम हो जाएगा एटीएम मशीन्स में। और अब तक 1 लाख एटीएम में ही कैश जो है वो भरा जा सका है। आज से 18 नवंबर तक केवल 2,000 रुपए ही कैश एक दिन में निकाले जा सकते हैं। पूरी व्यवस्था करने में लगभग 10 दिनों का समय लगेगा और सभी बैंकों ने कैश बदलने के लिए अतिरिक्त काउंटर का इंतजाम किया है। और इधर वसुंधरा के एटीएम की स्थिति क्या है, बता रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिनव उपाध्याय। जब से 500 और 1,000 के नोटों को बंद किए जाने का ऐलान सरकार ने किया है, उसके बाद लोग नए नोट निकालने की जद्दोजहद में हैं। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो ये कि यदि आप किसी बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो अपने साथ एक पानी की बॉटल, खाने के लिए एक टिफिन, एक मोबाइल का चार्जर, इस तरह की कुछ चीज़ें अपने साथ में लेकर के जाएं। इस मैसेज का उद्देश्य दरअसल ये बताना है कि यदि आप बैंक जाते हैं पैसा निकालने तो लंबा वक्त आपको लग सकता है, सुबह से शाम हो सकती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा इलाके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसके चारों तरफ मैं अपने कैमरे को यदि घुमा के दिखाऊँ तो हमारे कैमरे के चारों तरफ लोगों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। एक बैंक है यहाँ पर, एटीएम सारे बंद हैं। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि एटीएम से लोग पैसे निकाल सकेंगे, लेकिन एटीएम बंद है, लिहाजा एक बैंक यहाँ पर है जिसके सामने ये कतार लगी हुई है। चारों तरफ लोगों का हुजूम, एक तरफ का तो मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरी तरफ का भी यदि मैं सूरत हाल दिखाऊँ तो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कतार। यहाँ पर महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सारे लोग यहां पर खड़े हुए हैं। और जो लाइन है, लोगों से हमने बात की तो वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। लोग यहां पर जो खड़े हुए हैं इन्हीं से आकर के बातचीत करते हैं। साहब कब से खड़े हैं, कुछ लाइन वाइन आगे बढ़ रही है? बहुत कम बढ़ रही है लाइन। सुबह 6 बजे से? हाँ जी। कुछ खाने पीने का सामान लेके आओ साथ में? नहीं, लंच इंच कुछ क्या लाए हैं, यहीं पर खरीदेंगे, यहीं खाएंगे। खरीदने के लिए पैसे हैं? आप पैसे वही 50-10 रुपए 20 रुपए पड़े हुए हैं, खुले पैसे बस, और क्या है। यदि नोट मिल भी जाते हैं आपको नए वाले जी, 2,000 के नोट और 500 के नोट, और किसी दुकान पे जाते हो आप, तो क्या उसका छुट्टा मिलेगा, सामान मिलेगा? मिल ही नहीं रहा है, उसका छुट्टा ही नहीं मिल रहा है। बोलेंगे 2,000 का लेना तो पूरा 2,000 का सामान लो। अब 2,000 का सामान क्या, अगर परचून की दुकान में जा रहे हैं तो 2,000 का सामान गरीब आदमी क्या करेगा? सवाल यहाँ पर जो है वो 100 रुपए के नोट को लेकर है के है। साफ है कि जो छोटे नोट हैं उन्हें बाजार में उतारना होगा, जो छोटे नोट हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना होगा, शायद तभी दिक्कत हल हो पाएगी। लेकिन हालात जो ये हैं कि अभी तो बड़ा नोट लेने के लिए ही यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये भी बात एक ज़रूर देखने लायक है कि यदि बड़ा नोट मिल भी जाता है लोगों को जो लाइन में लगे हुए हैं तो भी उनकी दिक्कतें हल नहीं होने वाली है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि लोगों को जो पैसा दिया जाए वो छोटे नोट के रूप में दिया जाए, जिससे कि बाज़ार में चल रही दिक्कत से निपटा जा सके। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।